नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैसा दो वरना वीडियो वायरल कर दूंगी। बड़ी समस्याएं आजकल लोगों के सामने आ रही है, और सोशल मीडिया पर अगर बात करें कि एक ऐसा स्कैम जो काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, और इस अपराध में आपका एक अश्लील वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेलिंग की जाती है। बेसिकली यहां तक आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे और इस पूरे स्कैम के बारे में आपने जाना होगा। अगर आप इस पूरे स्कैम के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने इस पूरे स्कैम के बारे में बताया है, और यहां तक कि इस वीडियो में मैंने आपको बचने के तरीके भी बताए। लेकिन इस वीडियो में आज हम कुछ अलग से टॉपिक हैं जिन पर चर्चा करेंगे, और इनमें जो मुख्यतः जो टॉपिक है वो है वीडियो वायरल तो नहीं होगा, कि आपका जो वीडियो बना है कहीं वो वायरल तो नहीं होगा। या फिर अगर और एक टॉपिक है इस पर जिक्र करेंगे या फिर इस पर चर्चा करेंगे, वो है कि आखिर ये स्कैमर वीडियो का करते क्या है। इसके अलावा CBI वगैरह का जो कॉल आता है ये कौन करता है, और वो आपको केस के रिलेटेड या फिर आपको जेल जाने की बात जो करता है आखिर वो कौन है। इसके अलावा इसमें आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि वीडियो कॉल में वो जो लड़की आपको दिखाई देती है वो लड़की होती है या फिर नहीं होती है। और इसके साथ साथ इसमें आपको ये भी जानने को मिलेगा कि पैसा देने पर, या फिर अगर यूं कहें कि पैसा नहीं देने पर, और उन लोगों को अगर हम धमकाते हैं तो क्या अगर उनको गुस्सा आ गया तो वो हमारे उस वीडियो को कहीं वायरल तो नहीं कर देंगे। इन सारे तथ्यों पर आज इस वीडियो में जांच करेंगे, और ये जांच जो है ये साइबर क्रिमिनल के मुंह से वो आपको सारी चीजें खोल खोल के बताएगा कि वो वीडियो कॉल वाली लड़की कौन है, वो आपको किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं या कैसे कैसे आपको कॉल करते हैं, वो कौन लोग होते हैं। ये सारी चीजें आपको इस वॉइस रिकॉर्डिंग से आपको सुनने को मिलेगी। आप इस वॉइस को रिकॉर्डिंग को जब सुनेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये रिकॉर्डिंग अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमने जब साइबर क्रिमिनल से बात की तो ये हमारी और साइबर क्रिमिनल की बातचीत का एक रिकॉर्ड हमने किया था, और ये रिकॉर्डिंग मैं अब आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। तो यानी कि इस रिकॉर्डिंग को सुनने से आपको ये जानकारी मिलेगी कि आखिर साइबर क्रिमिनल किस हद तक जाकर आपके साथ ठगी करने के प्रयास करता है, वो आपको कैसे कैसे बहाने बनाकर या फिर मनगढ़ंत कहानी बनाकर आपको ठगने का प्रयास करता है। तो पहले इस आप रिकॉर्डिंग को सुनिए, फिर चर्चा करते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों और इतना बढ़ने का जो कारण है वो क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, राज चौहान जी बोल रहे हैं क्या? अरे कल तुम्हारे को इतना समझाया था, उसके बाद फिर तुम दोबारा शुरू हो गए ना? क्या कल तुम्हारे को इतना समझाया था कि फोन मत करना, तुम दोबारा शुरू हो गए दोबारा फोन करना ना? मेरी बात सुनो, मुझे, मैं मैडम का फ्रेंड बोल रहा हूँ, मैडम ने अपना, अरे सुनो, मैडम और मां समझ गया बात को, बात सुनो मेरी। हाँ, मैंने मैडम के साथ ब्लैकमेल किया है। किसने? मैडम को आपने ब्लैकमेल किया है ना? तो करेंगे हम मैडम को ब्लैकमेल कैसे किया है मेरे को बताना एक बार। मैडम बोल रही है कि वीडियो कॉल पे बात हुआ तो उसमें मेरी वीडियो वायरल कर रही है और ब्लैकमेल कर रही है मुझे। नहीं, कौन वायरल कर रहा है वीडियो? तुम या तुम? हम ही वायरल कर रहे हैं। यस। तुमने कितने पैसे ले लिए अब तक हमारे से? तुमने उसका पेमेंट कंप्लीट ही कहाँ पर किया है? अरे तुमने ले तो लिया ना हमारे से, पैसे तो ले ही लिया तुमने, 3,000 रुपए ले लिए। 1,000 रुपए की बात पेंडिंग में थी तो तुमने वे दिया ही कहाँ था? अरे तो स्टार्टिंग में नहीं दिया था, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मतलब बार बार फोन करके कहोगे नहीं दे रहे हम पैसे। तुम्हारी जो मैडम है वो हमारे ऊपर कंप्लेन करा रही है। कहाँ से कराएगी कंप्लेन? तुमने शाम 12 बजे की बोला था ना 1,000 रुपए के लिए। अरे भाई हमने तो बोला था तुम्हारे 5,000 रुपए देने के लिए तुमको, लेकिन हम नहीं दे रहे ना, बात खत्म। अब बताओ क्या करना है?
1000 रुपए करने हैं या नहीं करने? अरे ये बता, तुम्हें कितने दिन हो गए ये काम करते हुए? काम की छोड़ो, तुम ये बताओ तुमको। अरे मैं सुन मेरी बात, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, देख बहुत लंबा अंदर चला जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। तू मुझे ये बता दे कितने दिन हो गए तेरे को ये काम करते हुए? तू अभी क्या है ओरिजिनल खिलाड़ी नहीं बना है ना? तेरी बातें क्या है, तेरी बातों से सुन, तेरी बातों से ऐसा लगता है कि तू अभी नया नया आया है इस धंधे में। मेरी बात सुन, जो हो गया देखो हो गया। अच्छा ठीक है, मैं अपना ब्रदर समझ के तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। सुनो मेरी बात, मैडम ने जो दिखाया था मोबाइल वीडियो का, ठीक है? अच्छा, और तुमने जो दिखाया था तुम्हारा रियल ऐसे सब कुछ तुम्हारा रियल है, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे मैडम डाल देती थी हो, तो तुम बताओ तुम्हारा क्या होगा? अरे बाप रे, ये बात तो सही है। वो बात सब तुम छोड़ो, जो डाला है नहीं डाला, तुम पैसे की बात तो खत्म करो, बट ये बताओ उसमें फिर क्या होगा? एक मिनट आप सोच के चलो, मैं अपना भाई समझ के तुमसे बात कर रहा हूँ, सोच के चलो आप। अच्छा अब यार एक बात बता, तुमको 1000 रुपए मिल गए, सुन मेरी बात है, तुमको 1000 रुपए मिल गए, तुमने वो मैडम बना रखी है ना, उसका तुमने वीडियो क्लिप है तुम्हारे पास, वो वीडियो उसको तुमने दिखा दिया है ना, और हमारे को बेवकूफ बना के तुमने हमारे से कपड़े उतरवा लिए, तुमने हमारा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, और फिर तुम मुझे ही धमकी दे रहे हो और कह रहे हो मैडम तुम्हारे कंप्लेंट कर देगी। चलो एक बार मैडम से बात करा दो हमारी। भैया मेरी बात सुनो आप। अरे तुम मेरी मैडम से बात करा दो यार एक बार और, मैं अगर हम एक बार और वीडियो कॉल करें मैडम से तो हम 5000 रुपए दे देंगे। वो बात नहीं है, आप तो बस पैसों को लेकर भाग रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ यार तुम्हारे को, सुन मेरी बात सुन, तुम्हारे को पैसे दे दिए ना, अब तुम ये बताओ जब हमारे पास पैसे है ही नहीं तो तुम्हें दे कहाँ से? देखो मेरी बात सुनो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसे की नहीं बोल रहा मैं, मेरी बात सुन लो, मैं पैसे की नहीं कह रहा। तो क्या कह रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो आप। चलो बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे से किसी लड़की के साथ मैं ऐसा मत करना, ठीक है? नहीं यार एक बार वो तो नहीं करेंगे, वो तो हम है ना हमारी कसम खा के कह रहे हैं हम किसी के सामने ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन सच बताओ यार वो लड़की नहीं थी ना? वो लड़की है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बात सुनो। हाँ। जो उसने वीडियो दिखाया था ना मोबाइल में, वो तो वीडियो था। हाँ। अब जो लड़की है वो रियल लड़की है, कोई फेक नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूँ अपना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ब्रोदर समझ के बात कर रहा हूँ, वरना मैं किसी से ऐसा बात नहीं करता, क्योंकि मैंने आपका वीडियो चेक किया था ना। हाँ। तो आप उसमें मुझे ऐसे लगे कि एक पढ़े लिखे इंसान और अच्छे परिवार से हो, इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि किसी की वीडियो को अपलोड करके और उसको फंसाया जाए इस मैटर में। और आप भी जानते हो कि अगर लड़की ने वीडियो डाल दिया तो सीधा आपके नंबर के खिलाफ डलेगा, आपके नंबर को ट्रेस करके पुलिस आपके घर आएगा, और घर आके फिर आप क्या फायदा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो। अच्छा अच्छा, नहीं तो वो लड़की तो थी नहीं उसमें, वो लड़की का तो तुमने वीडियो दिखाया था, फिर वो केस कैसे करोगे तुम? वीडियो तो उसका ही था ना, लड़की तो थी वो, उसका ही तो था वो। उसका वीडियो कहाँ से आ गया है यार? सुनो आप ये भी जानते हो कि जो ये पुलिस प्रशासन है, जो सब कुछ है, ये लड़की की तरफ होता है, लड़के वाले की तरफ कुछ नहीं होता, ये भी आप जानते हो। अरे वो बात तो सही है, लेकिन लड़की है कहाँ यार प्रभु, लड़की कहाँ है? अरे सुन मेरी बात, चल छोड़ मेरी बात। अब रियली बात ये है, हमने जो तुम्हें दे दिया जो तुम्हारा, ठीक है, हम तुमसे पैसे वैसे के लिए कोई रिफंड उफंड के लिए बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे सच बता देना कितने दिन से ये काम कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा ये काम, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ही नहीं सुन रहे तुम। अरे वो बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ये लड़की कितने दिन से कर रही है काम? सुनो मुझे नहीं पता उसके बारे में, मुझे तो उसने आपका वीडियो चेक कराया था कि सर ये देखो वीडियो है और इस बंदे ने ऐसे ऐसे बोला था। यार तुम अभी तो ये कह रहे थे कि वो तो मेरी गर्ल मतलब फ्रेंड है, और अभी तुम उसको कह रहे हो, लड़की तुम्हें ये कह रही थी सर ये चेक करो। हाँ तो फ्रेंड भी तो है ना वो मेरी, तो फिर तुम्हारे को सर क्यों कहती है? क्या तुम्हारे को सर क्यों बोल रही थी? तो फिर अपने से बड़े को सर बोलते हैं, ठीक है ना, ये आप भी समझ के। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हो तुम, कहाँ से बात कर रहे हो? अगर तुम पढ़े लिखे इंसान होता ये सब कुछ चीज समझते, तुम में थोड़ी बहुत सभ्यता होती ना तो तुम इस पब्लिक को नंगा नाच नहीं दिखाते।
ठीक है ना। तो यार तुमने धोखे से बनाया है वो, तो तुमने मतलब कॉल किया था उस पे। अच्छा एक बात बताओ, वो कॉल में सुनो, वो कॉल में जो लड़की की जो वीडियो तुम दिखा रहे थे वो वीडियो कितना गंदा था। वो उस वीडियो में स्पेस दिख रहा कि तुम अपनी मर्जी से दिखा रहे हो, किसी ने नहीं मर्जी से दिखा रहे हो। तुम मैसेज कर रहे थे स्क्रीन के ऊपर, मैसेज आ रहे थे तुम भी दिखाओ। अब मेरी बात सुनो तुम, अगर तुम्हें ये मैटर क्लोज करवाना है ना, इधर ही खत्म करवाना है, तो उसका 1000 रुपए का पेमेंट डाल दो, वरना फिर आगे आपके साथ यार देख भाई चाहे तुम कुछ भी करो, 1 रुपया नहीं है हमारे पास, है ही नहीं, दें कहाँ से। अच्छा ये बताओ, मुझे तुम्हारे वाले, सुनो मेरी बात, मुझे तुम्हारे वाले काम में शामिल कर लो, मैं तुम्हारे को काफी सारे नंबर दे दूंगा और उन सभी लोगों के साथ फ्रॉड कर लेना, और फिर उनसे पैसा आएगा उसमें आधा आधा कर लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें ये मैटर क्लोज नहीं करवाना फिर भाई। एक बार सुनो मैडम से बात करा दे। ठीक है। हेलो हेलो, अरे मैडम बोल रही हो क्या? है? अरे यार आवाज चेंज करके बात मत करो यार, तुम तो ऐसे ऐसे बात कर रहे हो, हमको बेवकूफ समझा है क्या? अरे तुम आवाज चेंज करके बात कर रहे हो ना। अच्छा तुम्हारी आवाज चेंज करना एक बार। अरे तुम आवाज चेंज मत करो, ये चेंजर थे, ठीक है, आप स्पष्ट बोलो। अरे तुम अगर चेंज कर सकते हो, मैं चेंज कर सकता हूँ। तुमने अभी क्या बोला है? मैं चेंज कर सकता हूँ, तुम चेंज कर सकते हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा जो वीडियो बना, तुमने वो हमारे को वीडियो क्यों दिखाया? इतना गंदा गंदा वीडियो तुम्हें दिखाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे तुमको शर्म नहीं आती क्या? अरे तो फोन तो तुमने किया था ना, हमने थोड़ी किया था। फोन मैंने नहीं किया, तुमने किया था। मैंने कहा किया था? तुमने किया था। मैंने तो नहीं किया, तुमने मेरे को फोन किया था आगे से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुमको कोई फोन करेगा तो तुम कपड़े उतार के खड़ी हो जाओगी सबके सामने। अरे भाई तुमने कपड़े उतारे तो हमने भी उतार दिए, अब बोलो ना। अरे सुन मेरी बात, अब बहुत देर हो गया तेरा ये सांग चलाते हुए, हमारे को तेरे बहुत देर होगी मजाक करते हुए। अब तू ये क्या औकात पे आ जा, नहीं तो ऐसे पट्टे पड़ेंगे, याद रखेगा जिंदगी में, समझ गया बात को? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे सुन, समझ में आ रहा है कि अब तेरे को बहुत देर होगी मजाक करते हुए। अब सुन मेरी बात, काम की बात है जो, अब ऐसा है कि तू है ना परेशान कर मत और फोन मत करना दोबारा से, नहीं तो वो पट्टे पड़ेंगे जिंदगी में, याद रखेगा। ठीक है तू कर लेना जा, ठीक है ठीक, वापिस फोन मत कर देना, सारे को पहुंचा दूंगा, ध्यान रखना, बकवास ही बहुत कर रहे। ठीक है हेलो, कट कर दिया बस, तो तेरे समझ में आया कुछ? नहीं तो तुमने क्या नाम है, इसको खुद को फोन किया था या तेरे पास फोन आया था इनका? इसका आया था? कैसे आया था? अरे डायरेक्ट वीडियो कॉल आया था या फेसबुक से आया था? डायरेक्ट वीडियो कॉल आया था। ठीक है अभी देख, ये है ना, ये कुछ नहीं है, मैंने इसको समझा दिया है, धमका दिया है मतलब, और तुम्हारे पास फोन आए तो इसका फोन उठा के इसको कह दो मैं नहीं दे रहा पैसे, ठीक है, ज्यादा इसके साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं है, बस ये तो वैसे ही टाइम पास कर रहा है, ठीक है, इसको धमका देना। अब इसको तो क्या पैसे नहीं मिल रहे ना, इसलिए बार बार परेशान कर रहा है। हाँ तो दोस्तों आज जो आपने ये वॉइस सुनी, या फिर ये हम यूं कहें कि ये हमारी जो रिकॉर्डिंग है ये आपने सुनी, तो जहां तक इस
पूरे रिकॉर्डिंग में आपने समझा कि वो साइबर क्रिमिनल कौन होता है, या फिर वो लड़की होती है या फिर नहीं होती है। अब इसके साथ साथ ये भी जानकारी आपको समझ में आई कि साइबर क्राइम का जो अधिकारी आपको कॉल करता है वो लोग कौन होते हैं, और इन लोगों को अगर हम पैसा नहीं दें तो ये लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानने को मिला। तो यानी अगर रियलिटी की बात करें इस पूरे स्कैम में, तो इस पूरे स्कैम में साइबर क्रिमिनलों का एक ग्रुप, एक गुट होता है, जो हो सकता है 3 से 4 लोग का हो, किसी में 5 लोग हो, इस तरीके से एक ग्रुप होता है। और वो लोग आप लोगों के साथ वीडियो कॉल में एक लड़की की, जैसा कि साइबर क्रिमिनल ने अपने मुंह से ही ये सारी चीज़ें आपको बताई, वैसे आपका वीडियो बनाता है और उस वीडियो को फिर वो लेकर आप लोगों को डराते हैं। इस पूरे स्कैम में हमने ये देखा कि कहीं कोई वीडियो का दोबारा से कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन सिर्फ आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही होती है। इसका मेन जो रीज़न है वो हमने इस पूरे रिसर्च के बाद ये जाना कि जब आप लोग उन लोगों के सामने जब अपने कपड़े वगैरह उतार कर एक न्यूड की पोजीशन में जब आते हो, तो वो वीडियो जो है, जो आपका वो लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड करके आपको उसका एक क्लिप भेजते हैं, वही वीडियो आप लोगों के लिए समस्या बनता है। जबकि साइबर क्रिमिनल उस वीडियो का कहीं कुछ भी नहीं करता है, ना उसका कोई पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड रखता है, और वो लोग इसको बड़े जल्दी ही इस वीडियो को डिलीट भी कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें मौखिक रूप से होती है, यानी कि वो आपको मौखिक रूप से बोलता है, डराने की कोशिश करता है, आप लोग उसकी आवाज़ सुनकर डर जाते हैं। ये सारी चीज़ें बस यही है। इस पूरे स्कैम का अगर निचोड़ निकाला जाए तो इस पूरे स्कैम का निचोड़ यही है कि साइबर क्रिमिनल को आपके वीडियो से, आपके उससे कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ वो आपको डराकर आपसे पैसे लेने के चक्कर में रहता है। और जैसे जैसे पैसा देते रहते हैं वो लोग आपको फ़ोन करते रहते हैं, जिस दिन आप पैसा देना बंद कर देते हैं उसके साथ गाली गलौज कर देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर देते हैं, तो समझ जाते हैं कि अब इस आदमी को पता लग गया है, इसलिए अब इस आदमी को दोबारा फ़ोन नहीं करना है, क्योंकि अगर दोबारा फ़ोन करेंगे, इसको ज़्यादा परेशान करेंगे, तो ये व्यक्ति तुम्हारी कंप्लेंट करा देगा। तो यानी कि आपने ये सारी वॉइस रिकॉर्डिंग में आपने समझा कि साइबर क्रिमिनल आखिर कैसे लोगों के साथ फ्रॉड कर देता है और कैसे उन लोगों से बड़ा मोटा पैसा छाप लेता है। तो यानी कि इस वॉइस रिकॉर्डिंग से आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि अब आपको क्या करना है। आप अपने विवेक से उन लोगों को जवाब देकर अपने आप को इस पूरे मामले से सेव कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।